बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2022 का पेपर सॉल्व करते समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा सेक्शन फर्स्ट में सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चंस आपको फर्स्ट में अटेम्प्ट करने हैं, ओके, आपका एग्जाम हॉल में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, सो ये पूरा डिटेलिंग में आज मैं इस वीडियो में दूंगा। ओके, इस एग्जाम की परफेक्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूँ और एग्जाम में मैक्सिमम 650 स्कोर आपका कैसा हो, सो इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आज मैं इस वीडियो में दूंगा। ओके, सो उसके पहले दोस्तों मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, नीट एग्ज़ाम का पैटर्न। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, नीट एग्ज़ाम जो है 2022 की टोटल 720 मार्क्स की एग्ज़ाम है। इसके पहले भी ये 720 मार्क्स की ही एग्ज़ाम थी, लेकिन अब एग्ज़ाम में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। ओके, टाइमिंग में चेंज हुआ है, 720 मार्क्स की एग्ज़ाम है। ओके, तो इसके पहले 180 क्वेश्चंस एग्जाम में रहते थे और आपको पूरे 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने थे। ओके, सो आपको टोटल 200 क्वेश्चंस एग्जाम में दिए जाते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो इन 200 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू अटेम्प्ट 180 क्वेश्चंस। ओके, सो 200 में से 180 आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए आपको टाइमिंग है बच्चों 200 मिनट। ओके, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट। सो इस टाइम आपको कैसे परफेक्ट प्लान करना है एग्ज़ाम हॉल में, 3 घंटे में आपको इस 200 मिनट में 200 क्वेश्चंस कैसे परफेक्टली सॉल्व करना है और कौन सा सेक्शन आपको पहले में सॉल्व करना है, वो आज परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपको दूंगा। ओके, ये 200 क्वेश्चंस होते हैं और दोस्तों इसमें 3 सेक्शंस आपको डिवाइड करके लेना है। एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो होता है फिजिक्स का, ओके, फिजिक्स पेपर जो फर्स्ट होता है फिजिक्स, देन सेकेंड होता है केमिस्ट्री एंड थर्ड होता है बायोलॉजी। ओके, इन शॉर्ट में हम देखेंगे तो फिजिक्स में 2 सेक्शन होते हैं दोस्तों, सेक्शन ए। ओके, तो इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, 35 क्वेश्चंस एंड ऑल आर द कंपलसरी। और सेक्शन बी जो है फिजिक्स का, सेक्शन बी, सो दैट इज 15 क्वेश्चंस होते हैं और इन 15 में से आपको कौन से भी 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, वेरी सिंपल। सो फिजिक्स 35 क्वेश्चन सेक्शन ए, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी। सो सेक्शन बी में से आपको कौन से भी 10 क्वेश्चंस को चूज करना है, यानी कि 35 प्लस दिस 10, 45 क्वेश्चंस, 45 इंटू 4, ईच क्वेश्चन कैरी द 4 मार्क्स, तो आपके टोटल हो गए 180 मार्क्स फिजिक्स में। ओके, और केमिस्ट्री में भी सेम पैटर्न है, सेक्शन ए जो है 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी जो होता है, सेक्शन बी इसमें भी 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो 15 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने हैं कौन से भी 10 क्वेश्चंस, यानी कि 45 इंटू 4 यहाँ पे भी आपके हुए 180। ओके बच्चों, और बायोलॉजी अगर आप देखोगे इसमें आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। ओके, जूलॉजी के दो सेक्शन और बॉटनी के 2 सेक्शन। ओके, बायोलॉजी में जूलॉजी, जू एंड बॉटनी। ओके, सो इसमें भी 2 सेक्शंस आते हैं दोस्तों, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेम पैटर्न है, सेक्शन ए 35 क्वेश्चन, सेक्शन बी 15 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने हैं 10, यानी कि जूलॉजी में भी आपको 45 क्वेश्चंस आएंगे, बॉटनी में भी सेम पैटर्न है, सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस एंड सेक्शन बी दैट इज अ 15 क्वेश्चंस, 15 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं 10 क्वेश्चंस, यानी कि 35 प्लस 10 यहाँ पे भी आपको सॉल्व करने हैं 45 क्वेश्चंस, 45 इंटू 4 वहाँ पे आपके कितना स्कोर होगा 180, को बॉटनी 180 मार्क्स का रहेगा, जूलॉजी 180, टोटल बायोलॉजी जो है आपका पूरा सेक्शन मिला के 360 मार्क्स की एग्ज़ाम होती है, बायोलॉजी 360 मार्क्स, केमिस्ट्री 180, फिजिक्स 180, ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। अब एग्जाम में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो किस स्ट्रैटेजी से आपको एग्ज़ाम देना है, ये पूरी डिटेलिंग आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ओके, सो दोस्तों जब आप नीट का पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सो आपको ये जो 3 घंटे 20 मिनट यानी कि 200 मिनट जो है, सो उसको प्लान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो इसी के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। ये 200 मिनट यानी कि 3 घंटे 20 मिनट ये आपके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों। सो इसको आपको परफेक्टली एग्जीक्यूट करना है,
परफेक्टली प्लान करना है। सो इसकी मैं परफेक्ट स्ट्रेटेजीज आपको दूंगा। तो नीट का जब आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे पहले आपको बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करना है। ओके, यू मस्ट सॉल्व बायोलॉजी सेक्शन फर्स्ट। ओके, सो बायोलॉजी का सेक्शन सबसे पहले में सॉल्व करना है। और जब आप बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपका ये जो पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको दो राउंड में आपको पेपर लिखना है। राउंड वन में आपको देखो क्या करना है, राउंड फर्स्ट। सो बच्चों, राउंड फर्स्ट में आपको जो भी इजी क्वेश्चंस है और जो आपको लग रहा है कि 100% ये श्योर इसका आंसर मुझे पता है, वैसे ही क्वेश्चंस आप राउंड फर्स्ट में सॉल्व करो। ओके, बायोलॉजी की जो आपको 100% श्योर है और जो आपने पढ़े हैं कि चलो मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। ओके, एनसीईआरटी के अलावा एक भी क्वेश्चंस बाहर का एग्जाम में नहीं पूछते। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है राउंड फर्स्ट में आपको क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है आपको, को जो भी फिक्स्ड क्वेश्चंस है जो आपको श्योर है कि मुझे इसका आंसर परफेक्टली पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इनिशियल में सॉल्व करना है। ओके, क्लियर। सो जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे, जो भी आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस लगेंगे, जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर मुझे पता है, वैसे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। ओके, जो इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो आपको लग रहा है लेंथी क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है उसको आपको ऐसे ही रखना है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों का, जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस वो सॉल्व करने जाते हैं इनिशियली। ओके, अगर कोई क्वेश्चंस यानी कि इन फिजिक्स या केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो 5 और 10 मिनट उसमें ही उनके चले जाते हैं। ओके, वहीं पे वो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं कि यार मेरा टाइम बहुत जा रहा है इसमें। ओके, पहले क्वेश्चन में ही अटक जाते हैं वो। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको क्या करना है, जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% श्योर है, जिसकी आपको गारंटी कि यस आई कैन डू दिस, ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, वैसे पहले आपको प्लान करके लेना है राउंड फर्स्ट में। ओके, सो ये समझ में आपको। तो सेक्शन फर्स्ट में आपको क्या करना है, बायोलॉजी को सॉल्व करके जाना है। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का सेक्शन फर्स्ट। देन सेक्शन सेकेंड आपको लेना है केमिस्ट्री। ओके बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करते समय आपको सेम चीज़ याद रखना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इनऑर्गेनिक। ओके, एंड देन ऑर्गेनिक, एंड देन फिजिकल, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, सो अभी देखो इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस पहले क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा नहीं जाएगा। जो आपको श्योर लग रहा है कि इनऑर्गेनिक में मुझे आंसर इसका फिक्स पता है, सो वो क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर लो इनऑर्गेनिक का। देन ऑर्गेनिक भी मैक्सिमम इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सो आप देन उसके बाद आप ऑर्गेनिक के जो फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको श्योर है वो सॉल्व कर लो। ओके, उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री पे आने के बाद मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आपको क्या करना है दोस्तों इसमें, तो जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस रहते हैं तो आपको वहाँ पे छोड़ना है उनको, क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस में आपका पूरा टाइम चला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का मैं देखता हूँ एग्जाम में वो लेंथी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते बैठते हैं, 5-10 मिनट्स उसमें चले जाते हैं और उनका एग्जाम में उनको टाइम नहीं मिलता। एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद जब वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब उनको पता चलता है यार मुझे तो ये 10-12 क्वेश्चन के पूरे आंसर्स पता थे, लेकिन वो टाइम नहीं मिलने की वजह से वो पूरा पेपर उनका सॉल्व नहीं होता है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, टाइम मैनेजमेंट। आपको परफेक्टली टाइम यहाँ पे प्लान करना है। ओके बच्चों, तो आप वहाँ पे आपको जो भी लेंथी क्वेश्चन है उसमें टाइम नहीं ज़्यादा स्पेंड करना है। ओके, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आपको किस स्ट्रेटेजी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो देखो पहले फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करते समय जो भी इजीली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वैसे क्वेश्चंस आपको आप चूज़ कर लो। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस इजी लेवल होते हैं उसको आप पहले सॉल्व कर लो फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, और जो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है उसको सेकेंड राउंड में रख दो। ओके, सो सिंपल स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे फॉलो करना है, पहले इनऑर्गेनिक के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके लेने हैं, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल, और फिजिकल में भी इजी लेवल के जो भी इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। ओके बच्चों, सो मैक्सिमम बच्चों को फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ लगता है। ओके, फिजिक्स, सो इसके पीछे रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ओके, सो इसीलिए उनको डिफिकल्ट जाता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो क्या करना है, देखो ये देखो दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस में से आपको सॉल्व करने हैं 45 क्वेश्चंस।
सो मुझे बताओ इस 45 क्वेश्चंस में से मिनिमम 10 से 20 क्वेश्चंस तो इजी लेवल होते हैं, ओके, जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके, सो इजीली सॉल्व कर सकते हो 10 टू 20 क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, फिजिक्स के इजी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पहले सॉल्व करके लेना है राउंड फर्स्ट में, ओके, जो आपको लग रहा है कि 100% इसका आंसर मुझे पता है और मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वैसे मैक्सिमम एक 20 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो उसके बाद जो भी मीडियम लेवल के क्वेश्चन है या थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको उसको राउंड सेकेंड में उसको सॉल्व करना है। और उसमें टाइम का प्लानिंग देखो दोस्तों, राउंड फर्स्ट में आपको केमिस्ट्री के लिए, आपको बायोलॉजी के लिए मैक्सिमम, ओके, बायोलॉजी का जब सेक्शन आप सॉल्व करोगे मैक्सिमम 30 टू 40 मिनट्स में ही आपको राउंड फर्स्ट में ऑल इजी लेवल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ओके, इससे कम टाइम में भी आप कर सकते हो अगर आपका प्लानिंग परफेक्ट है, ओके। सो बायोलॉजी को आपको 30 टू 40 मिनट्स देने हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको मैक्सिमम 50 मिनट्स देने हैं, 50 मिनट्स में ही आपको राउंड फर्स्ट के इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिजिक्स के भी 50 मिनट्स में ही आपको सॉल्व करने हैं, ओके, जो रिमेनिंग टाइम बचा है आपको। सो मैक्सिमम राउंड फर्स्ट के जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, जो आपको 100% श्योर है इसमें आपको 400 क्रॉस कर जाएगा आपका स्कोर, ओके, आपको अभी राउंड सेकंड जो आप सॉल्व करने जाओगे इसमें आपका मेरिट निर्भर करता है, ओके, राउंड सेकंड, ओके दोस्तों, राउंड सेकंड अटेम्प्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट आपको वापस बायोलॉजी से स्टार्ट करना है राउंड सेकंड, ओके। सो यहाँ पे टाइमिंग परफेक्ट आपको मैनेज करना है बायोलॉजी, जो भी आपको क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में लगे थे कि यार ये थोड़े इजी थे लेकिन थोड़ा लेंथी मुझे लग रहा था, लेकिन इसका आंसर मुझे पता है, ओके, सो वैसे क्वेश्चंस आपको पहले सॉल्व करके लेना है, ओके। एग्जाम में तीन तरह के ही क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चंस आपको पता है और उसका आंसर आप निकाल सकते हो वैसे क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको पता नहीं है, यानी कि आपने पहले उसको कभी पढ़ा नहीं है, और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जिसका आंसर आप पता है लेकिन उसको सॉल्व करने में टाइम जाएगा, यानी कि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको फर्स्ट में क्या करना है, जो आपको लग रहा है कि राउंड सेकंड में जो बायोलॉजी के आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ओके, सो उस क्वेश्चंस को आपको पहले चूज करके लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करना है जो आपके राउंड फर्स्ट में बचे थे, ओके, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान भी देना है कि आप ये निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपका एक मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ओके, तो आपको वहाँ पे वो भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका निगेटिव में मार्क्स न चला जाए, ओके। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, बायोलॉजी का सेक्शन सॉल्व करते समय सेकेंड राउंड में जो आपको लग रहा है कि 100% इसका मैं आंसर मुझे पता है, तो आपको OMR में पहले वो फिल करके लेना है, ओके। सो बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद आपको केमिस्ट्री पे आना है, ओके। सो केमिस्ट्री में भी राउंड सेकेंड में बच्चों जो भी फर्स्ट राउंड के क्वेश्चंस आपके छूटे थे, ओके, तो आपको लगता था कि चलो ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये रिएक्शंस मुझे आता है, इसका मैकेनिज्म से मैं इजीली इसका आंसर निकाल सकता हूँ और उसके न्यूमेरिकल इजी है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो ऐसे राउंड सेकंड में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं जो आप राउंड फर्स्ट में आपने छोड़े थे, ओके, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सक पाओगे। उसके बाद फिजिक्स पे आते हैं हम। फिजिक्स में भी दोस्तों जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने छोड़े थे, ओके, पहले राउंड में आपने 20 क्वेश्चन 25 या कुछ बच्चे 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी थोड़े क्वेश्चंस बाकी हैं अभी उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। तो फिजिक्स पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ओके। केमिस्ट्री पे थोड़ा कम टाइम दे सकते हो, बायोलॉजी आप इजीली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, बायो को सबसे कम टाइम देना है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं रहता है, कैलकुलेशंस नहीं रहते हैं, ओके, और ऑलमोस्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बायोलॉजी के ऊपर आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, और मैक्सिमम बच्चों को बायो इजी भी जाता है, वो मैक्सिमम स्कोर वहीं पे होता है उनका, ओके, लेकिन उनका स्कोर कम हो जाता है फिजिक्स में और थोड़ा केमिस्ट्री में, ओके, मैक्सिमम फिजिक्स में ही बच्चों का स्कोर कम हो जाता है और वहीं पे आपका मेरिट डिपेंड करता है। तो फिजिक्स सॉल्व करते समय आपको परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, जो भी इजी लेवल क्वेश्चन है जो आपको 100% श्योर है वो राउंड फर्स्ट में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, ओके। उसके बाद राउंड सेकेंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपके बचे थे लेकिन जो आपको लग रहा है ये क्वेश्चंस में थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन से या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से, वो अटेम्प्ट कर लो, ओके।
तो उसके बाद उसमें से ही आप कुछ क्वेश्चन चूज कर लो जो थोड़े लेंथी थे लेकिन आप उसको सॉल्व कर पाओगे, वैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। नहीं तो क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे नीट का पेपर सॉल्व करते हैं उस समय, फिजिक्स का लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व करते बैठते हैं, 10 मिनट्स उसमें चले जाता है, इसी की वजह से फिजिक्स से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन छूट जाते हैं। एग्जाम हॉल में हॉल के आने के बाद उनको पता चलता है कि यार ये क्वेश्चंस मैं कर सकता था। ओके, तो ये आपको परफेक्ट प्लान करना है, सो दैट इज अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग दिस पेपर। ओके, तो समझ में आपको, तो ये 3 घंटे 20 मिनट आपका जो है ये आपको परफेक्टली प्लान करना है, सो इसी के ऊपर आपका रिजल्ट डिपेंड होता है दोस्तों। ओके, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे प्रॉब्लम उनका हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट परफेक्टली नहीं कर सकते हो, परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया कि फर्स्ट जब भी आप नीट का पेपर सॉल्व करोगे अच्छे से क्वेश्चन पेपर को देख के लेना है, क्या क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप क्वेश्चन ईजी लेवल है या थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। ओके, तो थोड़ा से क्वेश्चन पूरे देख के लेना है विद इन 5 मिनट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी को ही सॉल्व करना है राउंड फर्स्ट में, और वो भी जो भी 100% आपको श्योर है वो क्वेश्चन आपको OMR में फिल करके लेने हैं। ओके, OMR बबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसके लिए आपको थोड़ा एग्ज़ाम के पहले आप 10-12 मॉक टेस्ट आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपकी एग्ज़ाम की जो भी जो प्लानिंग है, जो भी स्ट्रैटेजी हो, परफेक्ट हो जाएगी, जिससे आपका 3 घंटे 20 मिनट्स का जो टाइम है आप उसको मैनेज कर पाओगे। ओके, एक 10 से 15 आप मॉक टेस्ट अगर घर पे डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी में आपको कितना टाइम जाएगा। कुछ बच्चे बायो का पेपर 30 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं, जो जिनका परफेक्ट स्टडी है, जो बायोलॉजी अच्छे से पढ़े हैं NCERT पूरा, तो आराम से 25 मिनट से 30 मिनट तक भी वो पूरा बायो का पेपर कवर कर लेते हैं, और वो मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को देते हैं। ओके, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप किस तरह से आपका पढ़ाई है। ओके, तो मॉक टेस्ट जब आप सॉल्व करोगे घर पे तो आपको टाइम लगा के पूरा प्लान करना है। ओके, 3 घंटे 20 मिनट में पहले आपको बायो का सॉल्व करते जाना है, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा आपकी कौन से डिफ़िकल्टीज़ आपको वहाँ पे होती है, और इससे आपका OMR फिलिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे करते क्या, OMR फिल नहीं करते, डायरेक्ट टिक करके ही सॉल्व करते बैठते हैं, लेकिन जब वो फाइनल नीट एग्ज़ाम में पेपर लिखने जाते हैं तो उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, उसकी वजह से वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको OMR फिलिंग का भी प्रैक्टिस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, सो ये 3 घंटे 20 मिनट आपके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, सो इसको आपको परफेक्ट प्लानिंग करना है। ओके, सो राउंड फर्स्ट में आपको बताया मैंने बायोलॉजी से ही स्टार्ट करना है। ओके, और वो भी इजी लेवल के क्वेश्चन राउंड फर्स्ट में सॉल्व करने हैं जो 100% श्योर है। और सेकेंड सेक्शन आपको लेना है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहले इनऑर्गेनिक को सॉल्व करके लो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं होता है। ओके, तो इजीली आपको सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आप भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल सॉल्व करते समय आपको क्या करना है, जो भी इजीली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है, जो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वो सॉल्व करके लेना है। उसके बाद आपको थर्ड सेक्शन सॉल्व करना है, दैट इज़ अ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या करना है, जो मैक्सिमम इजी लेवल के क्वेश्चन है, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो और इजी फॉर्मूला बेस्ड हो। ओके, ये आपका राउंड फर्स्ट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको 100% गारंटी है जो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपका मिनिमम 450 तो स्कोर आराम से बन जाएगा राउंड फर्स्ट में। ओके, राउंड सेकंड की हम जब बात करेंगे तो इसमें जो आपको लग रहा है कि ये मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन है, पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करो, जो भी सम ऑट लेंथी क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री में भी जो आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा रिएक्शंस मैकेनिज्म को टाइम लगेगा, या इसको सॉल्व करते समय मुझे न्यूमेरिकल के जो भी क्वेश्चन है उसको टाइम लगेगा, वो पहले सॉल्व करके लेना है आपको। लेकिन आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखते समय वो चूज़ भी करना है कि ये इसका आंसर मैं करेक्ट निकाल पाऊँगा या नहीं। अगर आप फालतू में उसके टाइम वेस्ट करोगे तो आपका पूरा पेपर में आगे प्लान पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, मीन्स आप पूरे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो उस जब क्वेश्चंस आप राउंड अप करोगे, चूज़ करोगे, तो वो बहुत अच्छे से आपको वहाँ पे ध्यान देना है। सो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। फिजिक्स में भी सेम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन जो है, जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर मैं नहीं सॉल्व कर सकता, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहीं पर छोड़ देना है। सो आई होप सबको आपको समझ में आएगा कि आपको ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है। ओके, सो जितने भी नीट एस्पिरेंट है इस साल 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबको मैं मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
सो यू कैन प्लान परफेक्टली इन एग्जाम एंड आई होप एवरीबडी कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.